हमारे ओडिशा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन सामल जी और मेरे साथ इस चुनाव में सह प्रभारी के रूप में काम कर रही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रही वर्तमान में विधायक हैं ऐसी बहन लता जी, हमारे पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे वर्तमान में सुंदरगढ़ से सांसद थे ऐसे ही आदरणीय जो लोराम जी, पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय समीर भाई और गोलक भाई गोलक महापात्रा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के आदर के योग्य बंधु और बहनों, आप सबका अभिनंदन है आज के इस उड़िया भाषा में, अभी इसको जो मैनिफेस्टो केंद्र से जारी हुआ उसको उड़िया भाषा में आज यहाँ अवलोकन करने का कष्ट किया है और लीफलेट भी आज जारी किया गया है। 10 वर्ष पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी और पार्लियामेंट में गए थे तो वहां पार्लियामेंट को शीश नवाकर प्रणाम किया था, एक बात कही थी, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, युवा को, महिला को, किसानों को समर्पित सरकार है। और प्रधानमंत्री जो संकल्प करते हैं प्रधानमंत्री की गारंटी 100% सही होती है। 10 वर्षों में उन्होंने जो कहा अपने संकल्प पत्रों में उस सबको पूरा किया और पहले राष्ट्र इसलिए देश के इन 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। विश्व की अर्थव्यवस्था में जब अटल जी ने छोड़ी थी तो भारत 11वें नंबर पर था और 10 साल यूपीए के चले तो 11वें ही नंबर पर रहा और मोदी जी के 10 वर्षों में 5वें नंबर पर आ गया है और अब संकल्प है कि हमारी अर्थव्यवस्था 27-30 नंबर पर आने वाली है। गरीब लोगों को 80 करोड़ को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमा मुफ्त राशन दिया जा रहा है और इस संकल्प पत्र में है अगले 5 वर्ष तक वो जारी रहेगा। अब तक 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए हैं, उड़ीसा में भी 30 लाख को दिए गए हैं और अब संकल्प किया है कि 3 करोड़ गरीब लोगों को और मकान दिए जाएंगे। अभी तक आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए 5 लाख तक का प्रतिवर्ष प्रति परिवार व्यवस्था है, अब इसको बढ़ा करके जो 70 वर्ष से ऊपर के हों, मध्यम आय वर्ग के हों, गरीब वर्ग के सबके लिए आयुष्मान योजना का विस्तार किया गया है। तो ये अभी मुद्रा बैंक से ऋण युवाओं को रोजगार, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप हैं जो सैकड़ों में थे यूपी के टाइम में, क्यों है, क्यों मोदी जी ने 10 लाख तक का मुद्रा बैंक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंकों से युवाओं को लेने के लिए दिया और अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। बिना किसी गारंटी के 20 लाख तक का ऋण अपना कारोबार करने के लिए, स्टार्टअप के लिए वो दिया जा रहा, दिया जाएगा, ऐसा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही जैसा अभी समीर भाई ने कहा, पहले कहा था, हमारा शुरू से संकल्प रहा था कि हम सरकार में आएंगे 370 समाप्त करेंगे, 35A समाप्त करेंगे, CA लाएंगे, उसको पूरा करने के साथ साथ भगवान राम के मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने का काम भी किया, आज भगवान राम उसमें विराजमान हैं। अभी हमने इस संकल्प पत्र में कहा है कि हम एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस सब के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो उनकी गारंटी है, 100% गारंटी है, वो करते हैं, तो इसके लिए इस संकल्प पत्र में देने का काम किया गया है। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी अभी हर 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम किया है, ड्रोन के द्वारा वो किसानों को जो परेशानी होती थी अब ड्रोन हमारी लखपति दीदी चलाएगी, 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
साथ ही हमने बुलेट ट्रेन का विस्तार करना और करीब करीब जो ओलंपिक खेल हैं, जो अपने यहां जिस तरह से अभी पिछले आपने देखा होगा दुनिया भर में और जगह भी हुए थे, अपने देश में जिस तरह का वातावरण बना, तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, तो उससे पता चला कि भारतवर्ष का एक अलग इतिहास है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम नारी को, युवाओं को और श्रमिक वर्गों को, इनको बढ़ावा देने का काम किया, बढ़ाया भी है। हमारी महिलाओं के लिए 3 करोड़ महिलाओं को अब तक मातृ वंदना योजना का लाभ मिला है, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे हर घर नल से जल जाने की योजना है, अब तक करीब 9 करोड़ घरों में गया है, तो उसको अच्छी तरह से और जारी रखने का काम करेंगे। जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब को राशन देने के मामला हो, वो 5 साल तक आगे बढ़ा दिया गया है, और कैसे नारी सशक्तिकरण के लिए हमने 10 साल तक लटका पड़ा था, मोदी जी आए तो महिला शक्ति बंधन अधिनियम पास किया, आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को। महिलाओं को जितनी भी कमीशन्ड ऑफिसर थे उनमें पहले महिलाएं नहीं जाती थी, उनका रास्ता साफ करने का काम किया, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो या किसानों का मामला हो, किसानों को आगे भी छूट जारी रहेगी। अभी तक जिस तरह से फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दी जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, जगह जगह निचले स्तर पर प्रोसेसिंग के प्लांट लगेंगे, ये निचले स्तर पर, तो किसानों की भी चिंता करने का काम किया जा रहा है। हर क्षेत्र के लिए ये संकल्प पत्र है, बहुत विस्तार से इसमें दिया गया है, और मैं आप हमारे जितने देशवासी हैं, उड़ीसा प्रदेश के प्रदेशवासी हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये संकल्प पत्र हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से केंद्र की सब योजनाएं उड़ीसा प्रदेश में भी लागू होंगी, क्योंकि उड़ीसा प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, यहाँ की माइग्रेंट लेबर है, बाहर जाती है, यहाँ के हमारे बहन भाई बाहर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ की जो स्टेट की योजना है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। आयुष्मान कार्ड का मतलब अब तक 13 करोड़ को मिला है, तमाम देश में जहां भी जाएंगे वहां उसका लाभ मिलेगा, तो इसको विस्तार करने का काम किया, अब तक गरीब लोगों को था, अब मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल करने का काम किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।